I get up. Time is better. आप भी चाहते हैं आपके बालों की वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, अगर आपको लगता है आपको चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हैवी हेयर, तो कैसे आप पा सकते हैं? तो उसके लिए आज का देसी नुस्खा, घरेलू नुस्खा आपके काम आने वाला है और बहुत अच्छा है सीरियसली। एंड कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप चाहते हैं पार्टी, शादी, फंक्शन कहीं पे भी जाना चाहते हैं और चाहते हैं आपका फेस लुक जो है आपके बालों के साथ मैच करके बहुत ही अच्छा वॉल्यूम लेकर आए, आपके बाल बहुत ही ग्लोसी से लगे, बहुत हैवी लगे, जितने मर्जी आपके बाल हल्के हैं, पतले हैं, लेकिन आपको चाहिए एक बहुत अच्छे हेयर, सिल्की, शाइनी एंड सॉफ्ट, तो आपको मेरा DIY फॉलो करना होगा। मेरा DIY देखिए, अपने बालों को ग्लोसी बनाइए, ग्लोइंग बनाइए, ग्लोइंग मतलब बहुत शाइनी सा बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं DIY कैसे हमने अपने बालों को एक अच्छा सा वॉल्यूम देना है और अच्छे से खूबसूरत से बाल चाहिए शादी के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप शैम्पू ले लीजिए, कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं, जिस जो भी आप आपको सूट करता है, माइल्ड हो या फिर कोई दूसरा, आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। जैसे कि जो काफ़ी टाइम से मैं कैरेटीन वाला जो शैम्पू है वो यूज़ कर रही हूँ, तो ये वैसे भी बहुत अच्छा है बालों की वॉल्यूम के लिए। तो जितना शैम्पू आपके बालों में लगता है आप उतनी अमाउंट में शैम्पू ले लीजिएगा। और अब जो शैम्पू के अंदर हमने चीज़ें डालनी हैं, एक चौथाई चम्मच एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल आपने एक चौथाई चम्मच ही इसके अंदर डालना है। ये बालों की वॉल्यूम को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, बालों में जो ऑयल आ जाता है ऑयल को कंट्रोल करने में भी ये आपकी बहुत मदद करता है। अगला इंग्रेडिएंट है दोस्तों विटामिन ई एसेंशियल ऑयल। दोस्तों ये एक तो बालों को झड़ने से बचाता है, बालों में से जो डैंड्रफ का समस्या है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करने में भी हमारी बहुत मदद करता है। तो मैं 3 बूंदे या 4 बूंदे आप एसेंशियल ऑयल की इसके अंदर डालिए, 1, 2, 3। तो ये देखिए एसेंशियल ऑयल की 3 बूंदे मैंने इसके अंदर डाली हैं और दोस्तों इसकी खुशबू लाजवाब है। ये आपके बालों को हैवी बनाता है, वॉल्यूम आपके बालों की लेकर आता है। अब आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये रेमेडी कुछ इस तरीके की बनेगी। शैम्पू के अंदर ये दोनों चीज़ें मिक्स करने के बाद दोस्तों आप अपने बालों को इस चीज़ से धो लीजिए, इस DIY से धो लीजिए, आपके बालों में से ऑयल बिल्कुल ही निकल जाएगा, डैंड्रफ है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बाल बहुत ही पफी से लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा बालों की वॉल्यूम लगेगी। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बालों के स्कैल्प को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। जितना मर्जी डैंड्रफ हो, अगर आप वीक में 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल कर देते हैं डैंड्रफ जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और कमज़ोर पतले बाल अगर आप कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं या सिंपल से भी आप हेयर स्टाइल सिंपल करते हैं, पोनी करते हैं, ये इसी तरह से बाल खोल के जाते हैं और आपको लगता है बाल बहुत ही हल्के लग रहे हैं, इससे इस रेमेडी से अपने बालों को वॉश करने के बाद जो नतीजा आपके सामने आएगा, जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, आई होप आप उससे बहुत खुश होने वाले हैं। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, अगर ये नुस्खा पसंद आया है ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा DIY ये रेमेडी? अगर ये DIY पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल।